भारत की इकोनॉमी ग्रोथ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चीन और अमेरिका के गिरे शेयर दोस्तों एक तरफ, जहां भारत खुद लाइट कॉम्बैट तेजस फाइटर जेट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की शुरुआत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को अमेरिका की जानी मानी कंपनी बोइंग की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका है। यानी कि देखा जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग भारत के लिए पागल हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने भारत को ऐसे ऐसे ऑफर दे डाले हैं जिन्होंने हथियार मार्केट में आग लगाकर रख दिया है, जहां बोइंग के द्वारा दिए गए। इस फर से यह बात तय हो चुकी है कि भारत की जो MRFA डील है, यानी कि जिसके तहत भारत 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, उसके लिए यह कंपनी ऑन अलाउड जा चुकी है। और चाहे भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इस ऑफर से भारत को ऐसे जबरदस्त फायदे मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में किसी भी देश ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी इस टाइम पर सो रही है, और दूसरी तरफ फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी भी भारत के 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी बोइंग भारत को ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिया है जिसने दुनिया भर का दिमाग हिला कर रख दिया है, जो कि भारत के लिए बेहद ही शानदार खबर है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी बोइंग की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है, बोइंग भारत के लिए पागल हो चुकी है और भारत को ऐसे ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस और ऑफर दे रही है जिससे भारत की जो MRFA डील है उसमें ज़बरदस्त फायदा मिलने जा रहा है। और देखा जाए तो बोइंग जैसी अमेरिका की दिग्गज डिफेंस कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से मिले इस ऑफर से भारत को कई तरीके के फायदे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर भारत इस ऑफर को ठुकरा भी देता है और बोइंग के लड़ाकू विमान नहीं भी खरीदता है, तब भी इसमें भारत का ही बंपर मुनाफा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बोइंग के द्वारा दिए गए ऑफर को टक्कर देने के लिए चाहे दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन हो, या फिर फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट हो, या फिर रूस की कंपनी सुखोई ही क्यों ना हो जो कि A-35 फाइटर जेट बनाती है, अगर इनको भारत में अपने फाइटर जेट को बेचना है तो बोइंग से बेहतर ऑफर भारत को देने होंगे, जिससे इस समय उनकी लड़ाकू विमान की जो कीमतें आसमान छू रही हैं उनको भी ज़मीन पर लाना होगा, और ख़ासकर राफेल की कीमतों को भी बेहद ही कम करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो बोइंग के द्वारा भारत को दिया गया ऑफर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सौदा है, क्योंकि इस ऑफर ने कंपटीशन को इतना ज़्यादा हिटअप कर दिया कि भारत को जिन लड़ाकू विमान के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी, अब वह पहले से काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में मिलने वाले हैं। दरअसल भारत इस समय मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रहा है, जिसमें फेल और यूरो फाइटर टाइफून पहले ही कंपटीशन में बने हैं, और इसी बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपना ऑफर दिया है। लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर बोइंग ने भारत को कौन सा ऑफर दिया है। तो इसके लिए आपको बता दें कि बोइंग का कहना है कि हमसे नया F-15X फाइटर जेट ले लीजिए, जिसमें भारत को कम कीमत पर ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा। साथ ही यदि भारतीय वायुसेना चाहे तो इसमें नए हथियार लगा सकती है, क्योंकि अमेरिका की बोइंग कंपनी इन एयरक्राफ्ट को भारत के लिए इस तरीके से डिजाइन करेंगी कि इसमें भारतीय वायुसेना अपने खुद की मिसाइल को भी लगा सकती है, और इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी, जिससे भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान की संख्या भी बढ़ जाएगी और इसमें भारत में बनाई गई मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी सस्ती पड़ने वाली है, और कमा कमाल की बात यह है कि अमेरिका की यह बोइंग कंपनी न सिर्फ भारत को सस्ते दामों में इन फाइटर जेट को दे रही है, बल्कि बोइंग ने यह भी कहा है कि भारत के ज्योग्राफिकल कंडीशंस और ज़रूरतों के हिसाब से फाइटर जेट में बदलाव भी किया जा सकता है, और जिस तरह की ज़रूरत भारत को होगी बोइंग वैसा बदलाव फाइटर जेट में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इन फाइटर जेट में जो बदलाव होगा, यह बदलाव एविनिक्स सेंसर्स या कम्युनिकेशन सिस्टम में किए जा सकते हैं। साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है।
और यह ऑफर भारत सरकार के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका की इस कंपनी ने यह भी कह दिया है कि इसके जितने भी क्रिटिकल पार्ट हैं और जितनी भी मिसाइल और खतरनाक वेपन्स हैं उनको भी इसके साथ देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि F-15X नामक फाइटर जेट में एक मेजर चेंज किया गया है जिससे इसकी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हाल ही में बोइंग कंपनी ने अपने इस फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाया है। पहले यह मात्र 3000 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता था, लेकिन अब यह बढ़कर 3704 हो चुकी है, जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए अपने आप में हाईएस्ट स्पीड मानी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि आगे तो इन्होंने एक और धमाका कर दिया, या क्योंकि इनका कहना है कि भारत चाहे तो ये F-15X खरीद ले या फिर चाहे तो FA-1 सुपर हॉर्नेट भी खरीद सकता है। ये उसके साथ भारत को अमेरिका की जो वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है जिसे अमेरिकी वायुसेना भी इस्तेमाल करती है उसे तो देगा ही, बल्कि भारत कहे तो उनके लिए यह स्वदेशी मिसाइल भी इसमें लगाने के लिए तैयार है, और यह कंपनी में फाइटर जेट में इस तरीके की मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार है जिससे भारत के पास जो अस्त्रा मिसाइल है, इसके अलावा भारत की जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड मिसाइल है उसको भी इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए इतनी पागल हो चुकी है कि इन फाइटर जेट को भारत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइजेशन करने के लिए तैयार है, जिससे इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए भारत जो 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है वह अमेरिका की इसी कंपनी से खरीदे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो पहले से ही कई फाइटर जेट मौजूद है जिसमें भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी शामिल है, तो आखिर भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से फाइटर जेट क्यों खरीदना चाहता है? यहां तक कि देखा जाए तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की शुरुआत भी कर दी है। यहां तक कि हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट को देखें तो नाइजीरिया भी भारत से LCA तेजस एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है। है तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की शुरुआत कर चुका है उसमें काफी लंबा समय लगने वाला है, लेकिन भारत को अपनी भारतीय वायुसेना को मजबूती प्रदान करने के लिए और फाइटर जेट की आवश्यकता है। हालांकि भारत के पास बड़ी संख्या में स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, लेकिन भारत जो फाइटर जेट खरीदना चाहता है उसकी ताकत भारत के फाइटर्स से कई गुना ज्यादा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।